impressive of refracting angle A equal to 1 degree is kept in front of a concave mirror. The object is kept x-axis है मान लो और ये y-axis है, ये x-axis ठीक है और यहाँ पे आपका object based है यहाँ पे आप imagine करो आपके पास एक thin prism कंकेव मिरर का जो पोल है उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं इस पोल हैज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 30 सेंटीमीटर कॉमा 0 एंड प्रिज्म और मिरर के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है सेपरेशन इज 15 सेंटीमीटर ठीक है उसने फाइनली आपको ये दे रखा है क्वेश्चन का डेटा फर्दर कह रहा है इफ The final image is at 10 centimeter and minus pi by 24 centimeter. Then, पहला चीज आपको जो निकालना है R मतलब radius of curvature of mirror, ठीक है? Curvature of mirror ये चाहिए और दूसरा आपको न्यू ऑफ प्रिज्म चाहिए रिफ्रैक्ट इंडेक्स चाहिए न्यू ऑफ देखो ट्राई करो क्या हो रहा है हो गया आपका अटेम्प्ट हो गया आपका अटेम्प्ट मैं करूं मेरा तो 1.75 ही आ रहा है सेकंड में देखते हैं देखिए चेक करो अगर मैं यहाँ से रे लो ऐसे सोचे एक रे यहाँ से लिया तो ये रे को इधर बेंड कराएगा कुछ इधर की तरफ गया ये डिवीजन आपको पता है ये डेल्टा म्यू माइनस वन इनटू ए तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा शिफ्टेड अपीयर होगा ऐसा कुछ तो यहाँ पे हमने ओ डैश बना लिया अब ये ओ डैश है ऑब्जेक्ट फॉर मिरर ये डिस्टेंस आपको पता है दिस विल बी डेल्टा इनटू ये कितना है ये 30 है 15 तो ये भी आपका 15 हो गया तो ये हो जाएगा डेल्टा इनटू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा और डेल्टा कितना था म्यू माइनस वन इंटू ए ठीक है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे म्यू तो दिया नहीं है तो म्यू माइनस वन इंटू ए एंगल ऑफ प्रिज्म में आपका 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 एंड इनटू 15 करना है मतलब पाई बाय 12 आ रहा है तो यार म्यू माइनस 1 इनटू पाई बाय 12 आ रही है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ओके इसके करस्पोंडिंग फिर ये रे रिटर्न जाएगी ये रे यहां से रिटर्न जाएगा ये रे अब रिटर्न जाएगा तो मान लेते हैं यहां से इधर आया
तो इसने कहीं पे एक इमेज बनाया होता, लेट्स से कि कहीं पे एक इमेज बना रहा होता, यहाँ पे कहीं इमेज बना रहा होता, ये इमेज होता मिरर का, दिस वुड हैव बीन इमेज ऑफ मिरर, बट ये वापस से बेस की तरफ ये इसको बेंड कराएगा, तो फिर वापस से कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ होगा ना, होगा ना, हाँ राइट, तो ये फाइनल इमेज आपका ये होगा, ये आपकी फाइनल इमेज होगी, ओके। अब इसमें आपको ये दे रखा ऑलरेडी उसने क्वेश्चन का, कहाँ गया डेटा, कैमरा ऑब्जेक्ट, हाँ फाइनल इमेज जो है वो 10-24 पे है, -5/24 पे, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आपको पता है ऑलरेडी, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो इधर से तो आपको 20 सेंटीमीटर मिलेगा, मिलेगा ना राइट, है ना, हाँ जी। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस कहाँ है और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, ये पता चल गया आपको, तो फॉर मिरर आप लगा रहे हैं पहले, फॉर मिरर 1/v + 1/u = 1/f लगा रहे हैं, ठीक है, तो 1/v मतलब -20 + 1/u = -30 = 1/f, यही आ रहा है ना, हाँ, और यार ये -1/12 आ रही है, ये 1/f की वैल्यू है, तो फोकल लेंथ आ गई है इसकी -12 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 2f, मतलब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना ये, हाँ सर, हाँ सर, ये अब म्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अब म्यू निकाल रहे हैं, अब म्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ से, ऑलरेडी अपने को ये पता है कि ऑब्जेक्ट ओ डैश कहाँ पे, मैग्निफिकेशन से हो जाएगा क्या, मैग्निफिकेशन का मतलब -v/u करके तो हो जाएगा, फिर से बोलो, नहीं समझ आया, फिर से बोलो, मतलब जो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u मिरर के लिए बोल रहे हो ना, मिरर के लिए, हाँ तो हाइट ऑफ इमेज तो आपको पता, हाँ ये तो पता ही है, शिट ये तो पता ही है, नहीं आपको तो उसने ये दे रखा है कि फाइनल इमेज का हाइट क्या है, उसमें तो इसका भी रोल है ना, ये प्रिज्म का भी तो रोल है, सिर्फ मिरर है ना, हाँ हाँ, तो उसके लिए तो नहीं कर सकते, तो ये वाला हाइट आपको दे रखा है कितना है, ये 5/24 है, 5/24 है सर, ऐसे भी तो कर सकते कि जो आई एम है वो तो उसका हाइट तो मिल जाएगा, फिर वो म्यू का ऐड कर देंगे तो उससे मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, एडिशन करेंगे तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ से हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये वाला एंगल तो आपको पता है डेल्टा, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी आपको पता है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस देखो आपको, ये डिस्टेंस आपको पता है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो I और IM के बीच में जो सेपरेशन आएगा, ये एंगल तो डेल्टा ही रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता है चेंज नहीं करेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो I और IM, ये 5 सेंटीमीटर किन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस, ओहो थिन प्रिज्म है बेटा, तो किसी भी फेस से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओहो प्रिज्म थिन है ना, तुमको प्रिज्म का थिकनेस कहीं दे रखा उन्होंने, अच्छा नहीं ठीक है, फिर जब तुम 20 सेंटीमीटर का डेटा लेके कैलकुलेशन कर रहे हो, 15 सेंटीमीटर का डेटा लेके कैलकुलेशन कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि कहां से दिया हुआ है, तब वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि हाँ ये डेटा नहीं दिया है, अभी मैंने एक चीज लिखा है तब आपको स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ ठीक है ये क्यों नहीं दिया है, अब देखो आई और आई एम के बीच का सेपरेशन में मार्क कर रहा हूँ डायग्राम, थोड़ा क्लम्सी हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये डायग्राम है, देखो ये चेक करो, ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाले डिस्टेंस को यहाँ पे लिख देते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको हम, 5 times ऑफ डेल्टा लिख सकते हैं ना राइट, हाँ हाँ सर, ये लिख लिया हमने, दिस विल बी 5 times ऑफ डेल्टा, एंड डेल्टा म्यू -1 into a था, और a तो आपका π/180 था, मतलब ये हो जाएगा 32, मतलब म्यू माइनस वन वन डिवाइडेड बाई 36, ठीक है ना, देखो तो
सर एक पाई भी होगा। हाँ पाई भी होगा, सॉरी पाई भी होगा, ठीक है सर एक पाई भी छूट गया। हाँ हाँ लिख दिया बेटा, पाई लिख दिया है, ठीक है। अभी वो लैग कर रहा था इसलिए आया अभी आया। हाँ ठीक है, तो देखो तो आपको ये पता चल गया क्या कि IM का डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना है, ये वाला डिस्टेंस सर 2/3 टाइम्स v माइनस 1/8, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5/24 एंड माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इनटू 5/36। देखो तो यही आ रहा है क्या, ठीक है ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया। तो आप मैग्निफिकेशन के लिए लिख रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर, ये मिरर का लिख रहे हैं, ठीक है। एम ऑफ मिरर लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं आप मॉड ऑफ वी बाई यू, और वी आपका था 20 और u था 30, मतलब 2/3 होना चाहिए। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज था 5/24 माइनस v माइनस 1, 5/24 माइनस म्यू माइनस 1 इनटू 5/36 एंड डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट म्यू माइनस 1 इनटू 5/12, म्यू माइनस 1 इनटू 5/12 हो जाएगा एंड दैट विल बी 2/3 आएगी। पाई तो हटा देते हैं सबसे, यहां से 12 भी हट जाएगा सर, इससे 1.5 ही आएगा। आ रहा है 1.5 सर, 1.5 भी आ रहा है, ठीक है। हां हां तो यहां से 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 है उधर चला जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। ये आ रहा है क्या ना, अरे क्या लिखा मैंने सर, 1 होगा, अरे 2/3 प्लस 3 चाहिए ना, 2/3 प्लस 3, 2/3 प्लस 3 आ रहा है तो सर वो तो 1/3 होगा, नीचे है वो। हां हां अरे रे 1/3 है डिनोमिनेटर में, ठीक है ये तो 1 आ रहा है, इसका मतलब म्यू का वैल्यू हो गया आपका 3/2, ठीक है समझ आया। हां सर ठीक है, तो प्रिज्म के साथ कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपको दिखाया यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे आपको शिफ्ट करके लेना है, बाकी तो आपका कॉमन सेंस काम कराएगा। आपको कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई पार्ट में कंफ्यूजन है? नहीं सर ठीक है। क्या नहीं, तो दुखी क्यों हो सर? फिर से एक बार फिर से मैंने रिफ्रेश लेना भूल गया प्रिज्म से, दो बार लेके कैलकुलेट कर रहा था, नहीं लिया फिर से। हां मैंने भी वही नहीं लिया, इसीलिए मेरा आंसर मैच नहीं। तो तुम लोगों को वो चीज भूल क्यों रहे हो बार-बार? नहीं कल के एग्जाम में भी ये सब तो नहीं करके आए हो? अरे ऐसा इतना पेचीदा क्वेश्चन नहीं आया था, नैरो बीम of light falls normally on the first face of a prism. At the second face, it is partly transmitted. Transmitted and partly reflected. The reflected beam strikes at first phase, emerges from it in a direction making an angle of 6 degrees 30 minutes, 6 degrees 30 minutes, 6.5 degrees with
second surface. Second surface is found to have a deviation of 1 degree 15 minutes from initial direction. Initial direction of incident. Incident ray. पहला चीज आपको निकालना है find angle of emergence. Find angle of emergence. ये कितनी आएगी? और दूसरी न्यू निकालनी कितनी आएगी? और तीसरी एंगल ऑफ प्रिज्म निकालनी. करो देखो क्या है. सर वो थर्ड लास्ट पॉइंट क्या है? द रिफ्रैक्टेड बीम. बीम बीम मतलब लाइट रे सोचो ना, लाइट रे की तरह सोचो. मैं करूं 1 मिनट से करूं 1 मिनट से. The first phase emerges from meeting a direction meeting an angle 60 degrees 30 minutes with reverse direction of incident ray. Reverse direction of incident ray.
फिर वो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या 2 डिग्री 57 मिनट्स 50 सेकंड्स आएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं, आंसर छोटे छोटे आंसर छोटे छोटे होते हैं वो, तब मैंने गलत किया होगा। देखो रे डायग्राम आपको समझ आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी रे डायग्राम में? रे डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो एक बार। अब जो जो डेटा दिया हुआ है मैं उसको एक बार मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? उसने ये कह रखा है पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो कंसिडर कर लिया, इमर्जेंट रे जो है फाइनली वो रिवर्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के साथ 6 डिग्री 30 मिनट बना रहा है, मतलब ये वाली एंगल इज 6 डिग्री 30 मिनट्स, क्या सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर। एक मिनट, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल है दोनों का सरफेस पाव वो तो पैरेलल ही होगा इसी कंडीशन को यूज किया है। अब दूसरी जो लाइन मार्क कर रही है उन्होंने, द रिफ्रैक्टेड बीम एट द सेकंड सरफेस इज फाउंड टू हैव अ डेविएशन ऑफ 1 मिनट 15 डिग्रीज फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, तो क्या ये वाली एंगल ही उसने कह रखी है 1 डिग्री 15 मिनट से कह रखी है ना? हां सर। ओके, अब देखो पहले एंगल ऑफ प्रिज्म को ए मार्क कर लेते हैं, तो देखो तो क्या ये भी ए होगा? होगा हाँ सर, ये होगा accordingly, ये एंगल भी ए होगा। accordingly, ये एंगल 2A होगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइट रे के साथ एंगल इज ए, कोई गलो एटा और एटा, हाँ ये वाला एंगल देखो ए है क्या है? हाँ सर है, ठीक है, है, है। okay. तो जो जहां पे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकंड सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है उस पे स्ट्रेस लगाओ, तो स्ट्रेस लगाओ तो क्या लिखोगे यहाँ पे? म्यू साइन ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए प्लस 1 मिनट 15 डिग्री, ये आएगा, सॉरी 1 डिग्री 15 मिनट ये आएगा। सर टाइम क्यों, मतलब सिर्फ एंगल ही तो लेंगे, सिर्फ एंगल ही लिखेंगे, साइन अब हटा देते हैं, मतलब मैं समझा रहा था कि स्नेस रहा है, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। तो म्यू इनटू ए का वैल्यू ये आ गया अप्रोक्सीमेटली ये ए इनटू सॉरी ए प्लस 1 डिग्री 15 मिनट्स आ रहा है, मतलब म्यू माइनस 1 इनटू ए इसकी वैल्यू आ रही है 1 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है। अब सेकंड हम यहाँ पे यूज करते हैं, सेकंड फेज मतलब जो फर्स्ट फेज पे जो रिटर्न जाती हुई रे का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं। वापस से यूज करें तो म्यू इनटू 2a दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी 1 इनटू 6 डिग्री 30 मिनट्स, सही है? ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब कट दीजिए, 2 काट दो क्यों? सिंपलीफाई करने के लिए, अच्छा ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री 15 मिनट्स, ये आ रहा ना? ठीक है ना? हाँ। अभी फर्स्ट इक्वेशन में अगर यूज कर ले इसको तो आ रहा है म्यू ए माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिग्री 15 मिनट्स है, और म्यू ए का वैल्यू खुद आ गया है 3 डिग्री 15 मिनट्स माइनस ऑफ ए, यह आया है 1 डिग्री 15 मिनट्स, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री हां मैच कर गया, ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका 2 डिग्री आएगा, सो ए इज 2 डिग्री हो गया। ओहो, तो ए का वैल्यू आपको 2 डिग्री मिल गया। वंस यू हैव गॉट ए, देखो तो म्यू भी मिल जाएगा क्या आपको? मिल जाएगा ना? हां सर। तो म्यू का वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपके पास 3 डिग्री 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 degree, यही है, इसको हम ले सकते हैं, this is 3.25 divided by 2, ऐसा ले सकते हैं क्या? हाँ सर।
है ना. hmm. ये कितना हो गया, दिस इज 12 13 डिवाइड बाय 8 आ रहा है क्या? 1. नो अच्छा हां ठीक है ना, 13 बाय 8 आ रही है. हां ठीक है, तो म्यू का भी वैल्यू मिल गया. सो देखो म्यू की वैल्यू हो गई आपके पास 13 डिवाइड बाय 8, ये मिल गया. और एक कुछ निकालना था, तीन चीज निकालना था ना. एंगल निकल गया है, अच्छा एंगल ऑफ इमर्जेंस चाहिए. एंगल ऑफ इमर्जेंस तो दिख ही रहा है आपको, ए प्लस ई है, मतलब ए प्लस 1 डिग्री 15 मिनट्स है. तो देखो एंगल ऑफ इमर्जेंस लिखें तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 1 डिग्री 15 मिनट्स, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री 15 मिनट्स. ठीक है, समझ आया? हां सर. सर यहाँ पर तो कोई एक्सप्लिसिटली कहा नहीं था ये थिन फिल्म है, पर हमने ये पकड़ लिया वो डिविएशन देख के ना. हाँ डिविएशन को देख के ना, इतना छोटा छोटा डिविएशन कब आएगा बेटा. ठीक है सर. होम क्या गलती कर रहे थे सर? वो मैंने पहले वाले और दूसरे वाले एंगल को इंटरचेंज कर दिया तो सब उल्टा पुल्टा वैल्यू आ गया. पहले वाले और दूसरे एंगल को इंटरचेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे 6 डिग्री 30 मिनट्स होगा ना, उसको सेकंड फेस पे ले लिया था और वो उसको उधर ले आया तो गलत से आ गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एन आइसोसेलेस प्रिज्म हैज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Refracting surface silver. A ray of light is incident normally on the other face. सर मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलो. 36 डिग्री आ रहा है. ठीक है 36 डिग्री सही है. ये रे को एक्सटेंड करें, इसी पे इंसिडेंट कराया, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. सरफेस का नॉर्मल है, यदि आपको सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करानी है तो रिफ्लेक्ट भी कराया, फिर वापस से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, यहाँ पे एक नॉर्मल एक और ड्रॉ किया,
फिर वापस से आपको इसको रिफ्लेक्ट कराना है. रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये कंडीशन है. अब अकॉर्डिंगली आप एंगल्स को बस मार्क करते चले जाओ. आपको ये पता है इधर से भी एंगल ए होगा और इधर से भी ए होगा. इधर से ये 2a होगा और इधर से भी 2a होगा. यही है ना, होगा? हाँ सर, यही है. हाँ सर. तो क्या ये वाली एंगल भी 2a हो गई, होगी नहीं होगी? हाँ हाँ. ऑब्वियसली ये भी 2a हो गई क्योंकि उसने ऑलरेडी आइसोसेलेस क्या रखा है. तो आपको ये मिल गया कि 5a का वैल्यू 180 डिग्री है. तो देखो a का वैल्यू कितना हो गया, 36 डिग्री. ठीक है, ये सही है. एक आपको घर के लिए टास्क देते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है. ठीक है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म A equal to 60 degree. This ray suffers a net deviation of 30 degrees. 30. If prism is rotated to an angle by an angle of 30 degrees, keeping incident ray fixed, incident ray fixed, the ray again suffers same deviation. कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बट खुद से करिएगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करिएगा. देख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? हाँ सर. हाँ सर. तो डेटा एक बार जस्ट कलेक्ट कर लेते हैं. सो डेविएशन आपको 30 डिग्री दे रखता है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो ऑलरेडी पता है 60 डिग्री है. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपकी 60 डिग्री है. दिस रे सफर्स अ नेट डेविएशन ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, इफ द प्रिज्म इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ओके, तो इसके फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड एंगल ऑफ इमरजेंस ई है. तो आपको पता है कि डेविएशन जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई प्लस ई माइनस ऑफ ए, ये लिखते हैं ना. तो इस केस में 30 डिग्री इज इक्वल टू आई प्लस ई एंड माइनस ऑफ 60 डिग्री. इसका मतलब आई प्लस ई ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, अब सेकंड, ये फर्स्ट केस का है, दिस इज फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में उसने क्या कह रखा है, सेकंड केस में उसने क्या रखा है, प्रिज्म इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो 30 डिग्री से जब आप रोटेट करोगे तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपका, या तो आई माइनस 30 होगा या फिर I plus 30 होगा. यही होगा ना, है ना, दोनों में से कोई एक. हाँ, right? हाँ. है ना? और इसको E से इस बार मैच करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ना I और E को जब हम स्वैप करते हैं तो फिर उस केस में आपका डेविएशन सेम मिलता है. हाँ सर. राइट, इस केस में आप ये श्योर होके लिख सकते हैं कि ये जो I डैश है ये E है और E की वैल्यू उसने I माइनस ऑफ 30 डिग्री दे रखी है. ठीक है, अब यहाँ से E की वैल्यू जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में निकाल रखा है उसकी वैल्यू को यूज कर लो. तो इसको लिख सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस ऑफ I इज इक्वल टू I माइनस 30 डिग्री. इसका मतलब I की वैल्यू मिल गई आपको 60 डिग्री मिल गई है. तो I आपको यहाँ से 60 मिल गया है. वंस यू हैव गॉट I तो E का भी वैल्यू मिल गया आपको 30 डिग्री आ जाएगा. ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है. ठीक है हाँ सर.
ओके अभी आप देखो आई प्लस 33 तो दूसरा किस आ जाएगा ना, मतलब आई इक्वल्स टू 30 और ई इक्वल्स टू 60। क्या क्या फिर से बोलो एक बार। मतलब जब i प्लस 30 लेंगे i डैश को तो e भी तो i प्लस 30 हो जाएगा, तब तो वो रिवर्स के हो जाएगा। तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, अगर आप i प्लस 30 के साथ कैलकुलेशन करोगे तो i का वैल्यू 30 आ जाएगा और e का वैल्यू 60 आ जाएगा। हां ठीक, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या उससे? नहीं, सेम ही तो है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अगर इसके साथ आप प्रोसीड करोगे, इसके साथ अगर प्रोसीड करोगे तो i का वैल्यू 30 आएगा एंड e का वैल्यू 60 आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। किसी एक को तो लेके आपको पेयर में कैलकुलेशन करना है, बाकी तो मैटर नहीं करता है। ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके, आपको ये भी पता है कि फर्स्ट केस में अगर मैं फर्स्ट केस में अगर लिखता आर वन प्लस आर टू, ये आपका ए होना चाहिए और ए तो 60 डिग्री है, राइट? तो इजंट इट ऑब्वियस कि फर्स्ट सरफेस पे जो आर वन बना है, मतलब वो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में वो आर टू बन जाएगा, है नहीं है? R dash का वैल्यू निकाले, R dash निकाले, R dash निकाले, तो ये आपका R2 से मैच करेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इस केस में अब आपको स्नेल्स लॉ बस आपको यूज करना है। R2 तो आपको पता है कि दिस इज A माइनस 6, A माइनस R1, मतलब 60 माइनस ऑफ R1 हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, ये डेटा है, ये डेटा है और एक ये डेटा है, ठीक है? तो इस केस में स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं using Snell's law. Two cases hain aapke paas. One sine of I is equal to mu sine of R1. ठीक है? और I आपने निकाला कितना? 60 निकाला है. तो one sine 60 is equal to mu sine of R1 लिख सकते हैं. और ये हो गया आपका first case का and second, ये first case के लिए. और second case के लिए अगर करते हैं Snell's law को, तो लिखते हैं आप one साइन ई हो जाता है, आई डैश तो ई है इस बार, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ आर वन, होता ना, है ना? अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ आर वन डिवाइडेड बाई दिस विल बी रूट थ्री cos of R1 and minus of half, मतलब 1 by 2 और यहाँ पे sin R1 और ये 2 पर चला जाएगा। देखो तो ये आ रही है क्या? आ रही है? हाँ सर। 3 cos of R1 minus of root 3 times of sin R1 is equal to 2 times of sin R1, तो यहाँ से आपको tan of R1 का वैल्यू मिल गया, tan of R1 is coming out to be 3 by root 3 plus 2, ये हो गया tan R1 का वैल्यू। Once you've got tan R1, अब हम mu निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से mu निकाल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 sin 60। सर हाँ हाँ बोलो बेटा। वो sin R1 का वैल्यू 1 by, मतलब 1 by mu times of sin नहीं, और वैसे करके करने से और फिर sin square theta plus cos square theta करने से जल्दी हो रहा था। क्या फिर से बोलो एक बार सर। वो sin square theta plus cos square theta equal to 1 को अगर हम लोग यूज करेंगे identity को तो जल्दी हो जाएगा। तो cos square r1 plus sin plus cos square r1 equal to 1। तो cos square r1 कहाँ है सर? वो r2 को मैंने वैसे लिखा था 60 degree minus r1 और फिर उसको expand किया था तो sin cos के terms में आया था, तो एक sin का value वहां से replace कर दिया तो वो दो step में हो गया था। तुम जो बोल रहे हो वही तो मैंने यहाँ पे भी किया। देखो तो यहाँ पे R2 का वैल्यू 60 में लिखा है और उसका उसको सब्स्टिट्यूट ही तो किया है। हाँ सर, यहाँ पे tan को वापस sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, tan R1 को। तो ये तो एक ही लाइन का है, ये तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड अपने को चाहिए यहाँ पे sin, तो sin हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 का स्क्वायर एंड प्लस root 3 plus 2 ka square, so 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10 and plus sir, 2 to the 4 9 plus 3 hoga to kya 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 9 plus 3 hoga na 3 3 6 3 square 6 plus 4 10 3 square 10. kya
सर आप तो स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको भी तो स्क्वायर करना है। अच्छा अच्छा हां 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 3 का स्क्वायर है। हां हां 3 का स्क्वायर है 9 9 3 is 12 12 plus 4 is 16 है ना 16 आ रहा है ना। हां सर 16 ही ठीक है ना। हां और sin 60 root 3 by 2 लिख सकते हैं तो यहां से आपका ये root 3 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में तो ये 2 इधर से कैंसिल आउट होगा यहां पे 4 बचेगा तो यहां से म्यू का वैल्यू आ गया रूट अंडर 4 प्लस रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय रूट 3 यही आ रहा है ना। हाँ ठीक है। हाँ सर हाँ सर